शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती आवाज बुलंद कर रही है। शराब ठेके पर पहुंचकर पत्थर से बोतल फोड़ रही है, लेकिन राजगढ़ में शराब को लेकर कुछ और ही हो रहा है। यहां शराब के रेट में कमी का खुलेआम प्रचार हो रहा है और शराब पीने को लेकर बने फिल्मी गानों को बजाते हुए माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है और शराबियों को खुलेआम ऑफर भी दिया जा रहा है। शराब ठेकेदारों ने साप्ताहिक हाट में बुधवार रेट में भारी कमी का अनाउंसमेंट करवाया था। इस अनाउंसमेंट के बाद शराब दुकानों की ओर कई लोगों ने रुख किया। शराब दुकान की खिड़की पर भी एक बड़ा पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा है भाव में भारी कमी। राजगढ़ के ठेकेदार में शराबियों को दो दिन का ऑफर दिया गया है। इसमें प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्ति बाइक पर लाउड स्पीकर बांधकर गली मोहल्ले में घूम रहा है। वह है दारू गाना बजाते हुए अनाउंसमेंट कर रहा है कि दो दिन शराब में भारी छूट मिल रही है और इसका फायदा उठाए। इस मामले में आबकारी अधिकारी केदार सिंह मिकाले ने बात करना चाही तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। जानकारी की माने तो इस प्रकार खुलेआम प्रचार करना गैर कानूनी है और कोई भी प्रचार प्रसार के लिए यह नहीं कर सकता। पुरानी शराब ठेकेदारों को 31 मार्च तक अपना माल खपाना है, क्योंकि फिर से टेंडर नहीं मिलेगा और इसमें उन्हें नुकसान होगा, तो वे माल कहां खपाएंगे। इसे देखते हुए जल्द से जल्द माल बेचने की तैयारी में जुटे हुए हैं।